मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में अब लोकसभा अध्यक्ष पद का इंतजार खत्म हो चुका है। राजस्थान को यह चेहरा फिर से मिल चुका है और कोटा बूंदी से सांसद ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बन चुके हैं। ओम बिरला के नाम यह रिकॉर्ड भी दर्ज हो चुका है। इससे पहले बलराम जाखड़ जो सांसद थे वे दो बार लगातार लोकसभा अध्यक्ष बने थे। इसके बाद में ओम बिरला ऐसे सांसद है जो लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बने हैं। इसके साथ ही ओम बिरला ने एक और रिकॉर्ड कायम किया है। 1999 के बाद में ऐसे कोई भी लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहा जो सांसद वापस चुनाव लड़ा हो और जीत हासिल की हो। ओम बिरला ने लोकसभा अध्यक्ष रहते हुए चुनाव लड़ा और जीत हासिल की और फिर से लोकसभा अध्यक्ष बने। इसके साथ ही आजाद भारत में यह तीसरी बार है जब लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए हो। इससे पहले 1952 में लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था। इसके बाद में आपातकाल में यह स्थिति बनी थी कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ। इसके बाद में यह तीसरी बार है जब लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ और ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष बने। इसके साथ ही लोकसभा अध्यक्ष की पद की राह ओम बिरला के लिए इस बार आसान नहीं थी। पिछली बार मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में जब पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार आई थी तो ओम बिरला के लिए यह राह इतनी मुश्किल नहीं थी, लेकिन इस बार जो राह है वह बड़ी मुश्किल थी क्योंकि एनडीए के घटक दलों के साथ में बीजेपी ने सरकार बनाई है और एनडीए के घटक दलों ने लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए रुचि दिखाई थी। इसके बाद में इन लोगों को जो घटक दल के नेता है उनको इस नाम के लिए सहमत कराना बड़ा मुश्किल भरा था और ऐसे इसके बाद में भी ओम बिरला के नाम पर पूर्ण सहमति बनी और वे लोकसभा अध्यक्ष बन गए। इसके साथ ही ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह से मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में राजस्थान में 4+1 का फॉर्मूला अपनाया गया था, यानी कि मंत्रिमंडल में 4 मंत्री और 1 लोकसभा अध्यक्ष, वैसे ही मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भी राजस्थान में यह फॉर्मूला अपनाया गया है। राजस्थान में 4 मंत्री मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की तरह ही तीसरे कार्यकाल में दिए गए हैं, जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत है, भागीरथ चौधरी है, भूपेंद्र यादव है, अर्जुन राम मेघवाल है। हालांकि गजेंद्र सिंह शेखावत का मंत्री पद जो मंत्रालय है वह चेंज किया गया है। इसके साथ ही अर्जुन राम मेघवाल और भूपेंद्र यादव के मंत्रालय मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में जो मंत्रालय थे वही रखे गए हैं। इसके साथ में भागीरथ चौधरी जिन्हें एक जाट नेता के रूप में किसान कृषि राज्य मंत्री बनाया गया है, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में कैलाश चौधरी जो थे वह कृषि राज्य मंत्री थे। अब इसके साथ ही ओम बिरला को भी फिर से रिपीट करते हुए लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया है। 4 जून को जब परिणाम आए थे इसके बाद में इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि जिस तरह से भाजपा को इतनी सीटें नहीं मिल पाई जितनी वे सोच रहे थे, तो ऐसे में एनडीए के घटक दलों में लोकसभा अध्यक्ष पद का पद जा सकता है। फिर मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो मंत्रिमंडल के गठन में जब एनडीए के घटक दलों को इतनी तरजीह नहीं दी गई तो ऐसा माना जा रहा था कि लोकसभा अध्यक्ष पद का पद उनके पास जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाजपा ने यह पद अपने पास रखा। ऐसा होना भी था क्योंकि भाजपा के लिए यह पद बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से अप्रस्ताव जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर लोकसभा अध्यक्ष का की राय और डिसीजन महत्वपूर्ण रहता है, तो ऐसे में भाजपा इस पद को अपने पास रखना चाहती थी। ओम बिरला से बेहतर चेहरा भाजपा के लिए नहीं हो सकता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सबसे नजदीकी और विश्वसनीय माने जाते हैं, ऐसे में ओम बिरला को रिपीट करना ऐसा तय माना जा रहा था। 7 और 8 जून को दिल्ली में कई दौर की बैठकें हुई थी, उसमें यह नाम भाजपा की ओर से तय हो चुका था, लेकिन मनाना था एनडीए के घटक दलों को। इसके बाद में मंत्रिमंडल का गठन हुआ और यहाँ से 4 मंत्री दिए गए। इसके बाद में ऐसा माना जा रहा था कि अब ओम बिरला के नाम के लिए सहमति बनाई जाएगी। ऐसा ही हुआ और एनडीए के घटक दलों को इसके लिए राजी किया गया और ओम बिरला के एनडीए की तरफ से ओम बिरला नामांकन भरे और उन वे लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। इसके साथ ही ओम बिरला अब कहीं ना कहीं राजस्थान में जो है पावर के सेंट्रिक हो चुके हैं। इससे पहले जिस तरह से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो जिनके इर्द गिर्द राजस्थान में राजनीति का पावर था, अब कहीं ना कहीं जो है ओम बिरला एक पावर सेंटर के रूप में उभरते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनना, मोदी और शाह के नजदीकी होना, ऐसा माना जा रहा है कि अब
ओम बिरला का हस्तक्षेप राजनीति में और राजस्थान में और बढ़ने वाला है और उनकी उनका कद भी कहीं ना कहीं और बड़ा है। इसके साथ ही ओम बिरला के नाम कई रिकॉर्ड भी दर्ज हो चुके हैं। इसे लोकसभा अध्यक्ष बनने से पहले ओम बिरला के लोकसभा अध्यक्ष बनने से पहले लोकसभा में पेपर वर्क हुआ करता था, इसे डिजिटल करने का श्रेय भी ओम बिरला को जाता है। इसके साथ ही ओम बिरला एक ऐसे लोकसभा अध्यक्ष होंगे जिन्होंने पुरानी संसद में भी कार्य किया है और नई संसद के भवन में भी कार्य किया है और यह रिकॉर्ड किसी और के नाम कभी नहीं हो सकता। इसके साथ ही जो हिंदी का प्रयोग है, हिंदी भाषा का प्रयोग लोकसभा में जिस तरह से ओम बिरला द्वारा शुरू किया गया वह सराहनीय है और कई शब्दों का प्रयोग, जैसे पहले यस और नो का प्रयोग किया जाता था, वहां पर हाँ और नहीं का प्रयोग ओम बिरला ने शुरू किया और इसी कारण कई रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज हो चुके हैं। ओम बिरला एक बहुत पुराने राजनेता है और राजनीति में लंबा अनुभव है, लोकसभा चलाने का भी उनके पास अच्छा अनुभव है, मैनेजमेंट का भी अच्छा अनुभव है। इससे पहले वे 3 बार विधायक रह चुके हैं, 3 बार सांसद बन चुके हैं। 2003 में उन्होंने पहली बार विधायक का चुनाव लड़ा था और कांग्रेस के दिग्गज नेता शांति धारीवाल को 10,000 के वोटों से हराया था। इसके बाद में 2008 और 2013 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, 2014 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और 2019 में और 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ और फिर से संसद पहुंचे। अब 2019 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद में उन्हें लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया था। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में जीतने के बाद में उन्हें फिर से लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। राजस्थान की भूमिका दिल्ली की राजनीति में और बड़ी है। सुमित देवड़ा, TV9 राजस्थान।